नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अविग्ना यूनिवर्सल रेमेडीज पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारे घर से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय यह है कि आखिर क्यों शाम के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाया जाता। इससे कई अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, परंतु इसके पीछे कई धार्मिक कारण भी हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। झाड़ू को हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि संध्या काल और रात में झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी जी चली जाती हैं और व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह एवं कलेश आता है। इस मान्यता के कारण लोग रात में झाड़ू नहीं लगाते और झाड़ू को खड़ा करके भी नहीं रखते। झाड़ू और पोंछे को घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने का भी प्रतीक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी अंधविश्वास बातों के बारे में बताऊंगा जो झाड़ू से जुड़े हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि दिन भर घर में जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई हो उसे रात के वक्त हमें बाहर कर देना ठीक नहीं होता। इसीलिए शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाया जाता। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसीलिए इसे छिपाकर रखा जाता है। जिस प्रकार धन को छिपाकर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक नियत स्थान बनाने की बजाय कहीं भी रख देते हैं उनके घर में धन का आगमन प्रभावित हो जाता है। इससे आय और व्यय में असंतुलन बढ़ा रहता है, आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। भोजन कक्ष में झाड़ू भूलकर भी ना रखें। मान्यता के अनुसार इससे अनाज खत्म होने और इनकम के रुक जाने का डर बना रहता है। घर के बाहर दरवाजे के सामने झाड़ू उल्टी करके रखने से यह चोर और बुरी ताकतों से आपके घर की रक्षा करती है। यह काम केवल रात के समय किया जा सकता है। दिन के समय झाड़ू छिपाकर रखना चाहिए ताकि किसी को नजर ना आए। अगर कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लग जाए तो यह समझना चाहिए कि घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का आगमन है। घर में नमक मिले पानी में ऐसे पोंछा लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं, बुरी ताकतें भी इससे बेअसर हो जाती हैं। गुरुवार को घर में पोंछा ना लगाएं, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी रूठ जाती है। गुरुवार को छोड़कर घर में रोज पोंछा लगाएं, इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं या नया घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनवाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखें कि आपकी झाड़ू पुराने घर में ना रह जाए। मान्यता है कि ऐसा होने पर माँ लक्ष्मी जी पुराने घर में ही रह जाती हैं और नए घर में सुख समृद्धि का विकास रुक जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी यह दी गई वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे हिंदू धर्म से के दृष्टिकोण और हमारे अंधविश्वासों से जुड़ी हुई है। मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आप सभी को बताना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता दी।